वेलकम टू लर्नर बी, आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसकी पोयम हाउ टू टेल वाइट एनिमल्स की क्वेश्चन आंसर्स हम देखने वाले हैं। काफ़ी फनी सी पोयम है, तो देखते हैं। हाउ डज डाइन रियली राइम विथ लायन? कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज? तो मैंने बोला ना डाइन लाइन, वैसे लायन होता है ना। तो राइटर जो है उसने काफ़ी सारे वर्ड्स गलत लिखे हैं, गलत स्पेलिंग में लिखे हैं ताकि वो राइम कर सके। नो, डाइन डज नॉट राइम विद लायन। इफ वी चेंज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लायन बाय स्पीकिंग इट एज लाइंग देन इट मे राइम विद द वर्ड डाइन। हाउ डज पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर? When can you do so according to him? तो पोएट कैसे सजेस्ट करते हैं कि आप लायन या फिर टाइगर को आइडेंटिफाई करोगे? तो लायन को उसकी रोर से, उसकी दहाड़ से। ट्वेनी बीस्ट यानी कि येलोइश कलर का एक बीस्ट दानव है, बहुत बड़ा सा, उसको हम लायन कहते हैं। बंगाल टाइगर जो है उसके ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होते हैं येलो कोट पर। लायन रोर करता है और टाइगर बहुत ही साइलेंटली अटैक करता है। आप इनको जंगल में घूमते हुए देख सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो। वी कैन आइडेंटिफाई द टू व्हाइल रोमिंग इन द जंगल। डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेप इन द थर्ड स्टेंजा आर स्पेल्ड करेक्टली? व्हाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस? तो स्पेलिंग उसने गलत लिखी है ताकि राइम कर सके। द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेप आर नॉट करेक्टली स्पेल्ड। The poet has spelled them like this in order to maintain the rhythm of the poem. The correct spelling of the words left is L-E-A-P-T, chhalang lagana, and the lep is L-E-A-P. The poet has intentionally slept them incorrectly to create a sense of humor, taki hume mazakiya lag sake. Question 4 hai, do you know what a bear hug is? It's a friendly and a strong hug such as bears are thought to give as they attack you. Again, hyenas are thought to laugh and crocodile to weep. Crocodile tears कहते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू। ऐसे कहते हैं कि जब जो बियर है वो अटैक करता है तो हक करता है इतनी देर कि इंसान मर जाए। हाइनास हंसती हैं, लायन किंग देखी है, एज दे सोलो देयर विक्टम्स, है ना। आर देयर सिमिलर एक्सप्रेशन पॉपुलर आइडियाज़ अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन योर ओन लैंग्वेज? क्या आपकी भाषा में भी इस तरीके के पॉपुलर कुछ शब्द हैं? है ना, कि मगरमच्छ के आंसू और हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो हाँ, देखो, अ बैर हग इज़ वेन बैर हग्स हिज प्रे टाइटली विद बोथ हैंड्स एंड प्रेसेस हिम टू डेथ। इतनी तेज पकड़ता है कि मार ही देता है जो बैर है, भालू। There are indeed similar expressions, और ये हम लोगों ने देख लिए। Question 5 है, look at the line, a novice might nonplus. How would you write this correctly? Why is the poet's incorrect line better in the poem? A line, a novice, novice होता है नौसिखिया, might nonplus can be written correctly as a novice might be nonplussed. However, the poet's incorrect line is better in the poem. As it maintains the rhyming scheme of the poem by writing it incorrectly, nonplus rhyme with thus. क्योंकि rhyme करना ना, इसीलिए rhyme करने के लिए ही basically poet ने सारे के सारे गलत spellings लिखी हैं। Question 6 देखिए, can you find other example of poet taking liberties with language either in English or in your own? Can you find example of humorous poem in your own language? तो देखो क्या होता है कि पोएट्स ही थोड़े थोड़े गलत शब्द क्यों लिखते हैं, ताकि हमें मज़ा आ सके पढ़ने में और थोड़ा सा राइम कर सके। तो वन कैन फाइंड प्लेंटी ऑफ एग्जांपल इन पोएट्री वेयर पोएट्स टेक लिबर्टीज़ विद लैंग्वेज। लिबर्टीज़ विद लैंग्वेज मतलब वही स्पेलिंग गलत लिखना या फिर थोड़ा अलग तरीके से शब्दों को प्रोनाउंस करके दिखाना ताकि थोड़ा मज़ा आ सके पढ़ने में। इसको हम पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं। पोएट्स टेक सच लिबर्टीज इन ऑर्डर टू क्रिएट प्रॉपर राइमिंग एंड रिदम। फॉर एग्जाम्पल, इन द फॉलोइंग लाइन्स द वर्ड प्रेस्ड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रेस्ड सो इट मे राइम विद द ब्रेस्ट। ट्री हूज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वेट फ्लोइंग ब्रेस्ट। तो ताकि मतलब जो है ना थोड़ा सा हमें क्या हो सके, समझ में आ सके, अच्छे से मज़े लेकर के हम पढ़ सकें, इसलिए राइटर ऐसा करते हैं। क्वेश्चन 7 है, मच ऑफ ह्यूमर इन द पोएम अराइजेस फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज। ऑल्दो द आइडियाज आर फनी एज वेल, इफ देर आर पर्टिकुलर लाइन्स इन द पोएम दैट यू स्पेशली लाइक, शेयर दीज लाइन्स विद द क्लास स्पीकिंग ब्रीफली। तो अगर आपको कोई अच्छे से ज़्यादा अच्छी लगी हैं लाइन्स तो आप बताइए। द वे द पोएट हैज़ यूज लैंग्वेज एंड आइडियाज इन द पोएम इज इन डीड ह्यूमरस, मतलब काफ़ी ह्यूमर
ह्यूमरस, काफी मजाकिया सी पोयम हमें देखने में पढ़ने में लगती है. द लाइन्स फ्रॉम द पोयम दैट अपीयर्स टू बी फनी, जो मुझे फनी लगी, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, नोबल मतलब अच्छा, और एक दानव आपको ग्रीट करता है, आपसे मिलने आता है. द आइडिया दैट अ वाइल्ड बीस्ट इज गोइंग टू वेलकम यू इज क्वाइट फनी, मतलब खा जाएगा, वेलकम थोड़े ना कोई करेगा. द लैंग्वेज इन द लाइन ही विल ओनली लीप एंड लैप इज ऑल्सो वेरी ह्यूमरस. द कॉन्सेप्ट ऑफ लैप फ्रॉम द वर्ड लैपर्ड जनरेट्स ह्यूमर, तो लैप जो है वो लेपर्ड से इन्होंने, लीप होता है वैसे तो वर्ड आगे करके छलांग लगाना, बट उन्होंने लेपर्ड से लैप ले लिया है, तो ये काफ़ी इसलिए फनी बनता है. ये थे क्वेश्चन आंसर्स. वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.